हाय दोस्तों, नमस्कार। तो हम पढ़ते हैं एक कहानी। कहानी का क्या नाम है? कृतज्ञता दर्शाओ। बहुत समय पहले की बात है कि एक संत हिमालय की तराई के जंगल में रहा करता था। जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। संत ने एक आश्रम बना रखा था। वह स्थान बहुत निःशब्द और शांत था। वहाँ संत प्रार्थना करता था, ध्यान में रहता था और तपस्या करता था। ये संत, ये इसके चेले बंदर, ये पशु हैं और ये चिड़िया हैं, ये इसकी कुटिया है और ये ध्यान करता है, प्रार्थना करता है, तपस्या करता है। एक वर्ष ग्रीष्म ऋतु कुछ अधिक गर्म थी। सूर्य की तपती धूप ने पशु पक्षियों का जीना दुभर कर दिया था, इसलिए बहुत सारे पक्षी दूसरे स्थानों में जा बसे। पशुओं के जाने के लिए कोई और स्थान नहीं था। उनका जीवन कठिन हो गया क्योंकि जीने पीने के लिए वहाँ पानी नहीं था। उन्हें देखकर संत का हृदय दया से भर गया। गर्मियों के दिनों में ज़्यादा गर्मी पड़ने से पानी सूख गया तो सारे जानवर, पक्षी, पशु सारे परेशान हो गए पीने के पानी की नहीं मिलने की वजह से। तो संत चिंता कर रहा है कि मैं क्या करूँ, अब ये पशु पक्षी मेरे को छोड़ कर यहाँ से जा रहे हैं। निकट ही कस्बा था, वहाँ जाकर संत ने पशुओं के लिए पानी भर ले आया। उसने घड़ों में पानी लाकर उन घड़ों को पशुओं के पास रख दिया। पानी पीकर पशु प्रसन्न हुए। पशुओं के लिए पानी लाने में संत अपना सारा समय लगाने लगा। उसने अपने खाने के लिए एक क्षण भी नहीं दिया। वह अपने काम में इतना मग्न हो गया कि अपनी आवश्यकताओं को भूल गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए वह कमज़ोर होता गया। ये जो संत था, वो जो जानवर थे इसके पास, पशु पक्षी और जानवर, उनके लिए ये पानी दूसरे कस्बे से ले जाता और उनको पिलाता। तो ये इतना मग्न हो गया कि खुद को खाने पीने का भी इसको ध्यान नहीं रहा। पशुओं ने संत में उनकी सहायता करने की आतुरता देखी। वे जानते थे कि यदि वह भोजन नहीं करेगा तो जल्दी ही बीमार पड़ जाएगा। वे यह भी जानते थे कि यदि वे संत को विवश नहीं करेंगे तो वह भोजन नहीं करेगा। एक पशु ने कहा, संत अपना सारा समय हमारे लिए पानी लाने में लगा रहा है, वह बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा है। हम उसकी कृपा से आरामदायक जीवन जी रहे हैं। हमें अपनी कृतज्ञता दर्शाकर उसकी कृपा का चुकता करना होगा। ये सारे जानवर तो ये सोच रहे हैं कि अगर ये संत महाराज है वो खाएंगे नहीं तो फिर हमारे लिए क्या करेंगे। ये हमारे लिए पानी लाता है तो हम भी इनको खाने के लिए लालायत करेंगे, यानी कि हम भी इसको खाना खिलाते ही रहेंगे। हाँ, दूसरे पशु ने कहा, अभी से जब हम पानी पीने आएंगे, हम संत के लिए कुछ फल मूल और कुछ अन्य भोजन ले आएंगे। उसके बाद सारे पशु उसके लिए फल और अन्य भोजन लाने लगे। संत उसमें से कुछ खाकर शेष भोजन गरीबों में बांट देता था। बदले में गरीब लोगों ने पशुओं के लिए पानी लाने में उसकी सहायता की। इस प्रकार लोगों ने और पशुओं ने दयालु संत के लिए अपनी कृतज्ञता दर्शाई। यानी कि संत ने जब पशु पक्षियों के लिए पानी की वो किया तो वो जानवरों ने भी उनके लिए फल सब्जियां कुछ भी लाए और फिर गांव वाले भी उनकी सहायता के लिए जुड़ गए। तो दोस्तों, ये पहले हमारे बड़े बूढ़ों की कहावत भी है कि एक हाथ दे और एक हाथ ले। यानी कि हम किसी के लिए अच्छा काम करेंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। जानवर जैसे ही समझते हैं तो इंसान तो क्या बात चीज़ है।